हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा। सूजी का उपमा बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है और बहुत ही टेस्टी होता है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये टोटली फ्री है। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हमने 150 ग्राम सूजी ले ली है। आप मोटी पतली जैसी चाहे सूजी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमें चाहिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, एक बड़ा प्याज इसको भी हमने बारीक बारीक काट दिया है, दो हरी मिर्च चाहिए, 8-10 करी पत्ते चाहिए और आधा नींबू चाहिए, आधा छोटा चम्मच शक्कर ली है। आप चाहें तो शक्कर डालें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने जीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों, और थोड़ा सा हमें चाहिए चने की दाल और दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे, थोड़ा सा हमें चाहिए मूंगफली दाने, आप इसकी जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी का तिगुना हमें पानी चाहिए, तो एक कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी हम पानी लेंगे और इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे सूजी और इसको ब्राउन होने तक सेक। सूजी को हमने ब्राउन होने तक भून लिया है तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सूजी को हमने निकाल लिया है, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो ऑयल गरम हो गया है और इसमें हम डाल देंगे जीरा और सरसों यानी कि राई। तो इसमें हम डाल देंगे दाल चने की, आप चाहें तो एक चम्मच उड़द की दाल भी डाल सकते हैं और इसको ब्राउन होने तक भुनेंगे। करी पत्ते डाल देंगे, आराम से, और मूंगफली दाने डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसको भून लेंगे। तो दूर से भुनना है, दाने फूटते हैं तेल में तो तेल छोड़ते हैं, तो दूर से भुने। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसको भी भून लेंगे ब्राउन होने तक। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही भुनना है। हरी मिर्च डाल देंगे और भून लेंगे सभी को। तो हरी मिर्च और प्याज भुन गया है, ज़्यादा नहीं भुनना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अगर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें हम डाल देंगे नमक, सूजी डाल देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से, और जो गर्म पानी हमने किया था वो डाल देंगे धीरे धीरे इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी इसमें मिला देंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। चीनी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दें। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक कर के पका लेंगे, इसके बाद इसको चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं तो इसको चेक करते हैं। और इसको ऊपर नीचे करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे
लेमन जूस और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो उपमा हमारा परफेक्ट बन गया है, रेडी हो गया है। तो उपमा हमारा तैयार हो गया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे इसमें हम और इसको मिला देंगे। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो उपमा हमारा बनकर के तैयार हो गया है, तो इसको हम गार्निश कर देंगे। तो एक करी पत्ते से हम इसको गार्निश कर देंगे तरह से। तो तैयार है सूजी का उपमा, बहुत ही खिला खिला और बहुत ही स्वादिष्ट उपमा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट है और बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसको बनाइए और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।